हेलो किसान साथियों, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन टी पर नर्सरी से स्वागत है आप लोग को। आज जो पौधा है देखा रहा हो, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वेराइटी है, जापानी से रेड डायमंड गावा प्लांट। ये रेड डायमंड प्लांट का पूरा मादार प्लांट है। इंडिया में बहुत सारा गावा प्लांट अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और फायदेदायक वेराइटी है जापानी से रेड डायमंड गावा प्लांट। ये पूरा के पूरा अभी मादर प्लांट है। ये प्लांट हमने ज़्यादा बड़ा नहीं करते क्योंकि ये बैग ग्राफ्टिंग करते हो। अभी ये ग्राफ्टिंग का लायक होगा। ये पौधा देखिए, ये साल में देने वाला मादर प्लांट है। इसमें ये प्लांट का खासियत है, एक साथ में आपको मंजर भी रहेगा और फ्रूट भी रहेगा, और ये छोटो पेड़ में तैयार करता हो, और ये इंडिया में होलसेल के सप्लाई के लिए छोटा पौधा के लिए, और आप कहाँ से भी मेरे से कांटेक्ट करेगा और तब भी ये प्लांट मिलेगा कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन टी प्लांट नर्सरी से। और इसको खासियत क्या होती है, इसका जो पौधा देख रहा है ये, इसका उम्र ज़्यादा नहीं हुआ। ये पौधा आपको ट्यूशन करने के बाद 3 या 4 महीने के बाद फ्रूट देना चालू कर देता है। ये एक साल में 3-4 बार फ्रूट देता है, तो ये आप समझे 4 या 5 बार फ्रूट मिलता है आपको। ये आपका कमर्शियल फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकते हैं। इसका फ्रूट का मात्रा कैसे पकड़ना आता है मैं का देखाता हूँ। इस प्लांट में ज़्यादा फ्रूट हम लोग नहीं रखते, मतलब फ्रूट रखते हो तो इसमें ब्रांच नहीं आता है। जब भी नया ब्रांच निकलेगा तब भी नया पौधा ग्राफ्टिंग करके रेडी करता हो, इसलिए इसका फ्रूट हम लोग तोड़ देता हो तब भी इसको फ्रूट तोड़ जाता है। लेकिन इसका फॉलोअर भी आ चुकी है, आप लोग देखिए, ये देखिए इसको फ्रूट भी आ चुकी है, और ये छोटो प्लांट देखिए, इसके मंजर भी आ गया। आपका ये प्लांटेशन करने के बाद, आपका ये 3-4 महीने के बाद इसमें फ्रूट देना चालू कर देता है, और इसमें देखिए हर डाली में फ्रूट आने वाला है। और इसका जो फ्रूट है अंदर में बहुत अच्छा कलर होता है, रेड कलर का। देखिए पूरा घास में फ्रूट आ चुकी है। ये फ्रूट का वजन भी बहुत अच्छा है, 200-300 ग्राम तक इसका वजन हो जाएगा। देखिए गाइस, इधर में फॉलोअर आ चुकी है। देखिए पूरा हार डाली में फ्रूट आ चुकी है, फॉलोअर आ चुकी है, लेकिन वो अभी छोटा है। ये प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है। कोई किशन भाई को चाहिए तो हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से कॉन्टेक्ट कर भी सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लूप देखिए घास का, और इसको पत्ता भी देखिए, सबसे ज़्यादा अलग है पत्ता। इसका पत्ता बिल्कुल अलग है, और ये 2 फीट हाइट हो चुकी है, और इतना छोटा प्लांट में कितना अच्छा ब्रांच निकला आप लोग देखिए। ये ग्राफ्टिंग करने के बाद पूरा से पूरा इसका ब्रांच निकलेगा। अभी देखिए इसका भी देखिए, ये पूरा फॉलोअर है, फ्रूट है, कितना छोटा घास में सब कुछ है। देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर किशन भाई देखिए, मैं 2 बीघे जमीन पर लगाया था रेड डायमंड गावा का, कितना अच्छा लूप देखिए, बहुत अच्छा लूप है। यही पर मेरे तरफ से आप भी लगा भी सकते हैं ज़मीन पर। देखिए इसका लूप भी देखिए, कितना अच्छा लूप है। कोई किशन भाई को ये प्लांट लेना है तो कांटेक्ट कर भी सकते हैं ग्रीन टी प्लांट नर्सरी से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मेरा वेबसाइट कोलकाता वेस्ट बंगाल ग्रीन टी प्लांट नर्सरी। थैंक यू।